कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए मैहर के सिविल अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और बच्चों के लिए कोविड वार्ड की व्यवस्था जन सहयोग से की गई, जिसका उद्घाटन प्रभारी मंत्री राम खिलावन पटेल और मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी ने किया। मैहर विधायक नारायण त्रिपाठी के आह्वान पर जन सहयोग से सिविल अस्पताल मैहर में स्थापित ऑक्सीजन प्लांट और बच्चों के लिए कोविड वार्ड आम जन हेतु समर्पित किया गया, जिसका विधिवत उद्घाटन हुआ। सत्ता जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट अब तक नहीं लगाया गया, लेकिन विधायक नारायण त्रिपाठी ने आम जन के सहयोग से मैहर सिविल अस्पताल को आत्मनिर्भर बना दिया। इसके लिए हर वर्ग के लोगों, व्यापारियों और समाज सेवियों ने सहायता की। बच्चों के कोविड वार्ड और ऑक्सीजन प्लांट के लिए लगभग 1 करोड़ की राशि लोगों ने रोगी कल्याण समिति में दान दी। कोविड वार्ड में बच्चों के लिए सुंदर खिलौने और उनके मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराए गए हैं। देखिए, फिर मैं कहना चाहूंगा, हम धन्यवाद देते हैं मैहर के लोगों को, एक एक आदमी को धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रशासन के लोग जो है इस कोरोना काल में 22-23 घंटा जिन्होंने काम किया, चाहे डॉक्टर हो, चाहे राजस्व के अधिकारी हो, चाहे पुलिस प्रशासन के अधिकारी हो, सबको हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ के दानदाता जैसे सीमेंट फैक्ट्री के 3 मैनेजर हैं और बाकी सभी व्यापारियों ने, सामाजिक संगठन के लोगों ने दान देकर यहाँ जो ऑक्सीजन प्लांट बनाया है, मैं सबको कोट से बधाई देता हूँ। निश्चित रूप से इन लोगों ने बड़ा उत्तम कार्य किया है, जो जिसकी प्रशंसा कम जितनी की जाए उतना कम। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।